तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, आज की वीडियो देखने के बाद आप पक्का कहोगे काश थोड़ी सी रहम कर देते। तो आपने देख लिया गाइस कि हमारे बैग में ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड है और पर्पल कार्ड है, ठीक है। और हम लोग जा रहे बायो। अब मैं बायो क्यों जा रहा हूँ ये भी बताता हूँ। मुझे कुछ बंदों ने कमेंट करा था कि भाई आप सोलो ड्रॉप लेके दिखाओ, तो मेरे टीममेट्स भी हैं, वो लोग उधर फार्म करने में लगे हुए हैं। मैं बोला ठीक है भाई, आप लोग फार्म करो, हम जाते हैं ड्रॉप पे। ड्रॉप आ रही है बायो में। अब आप देख सकते हो मेरे पास केवल एक ओनली फॉर यूजी है, ठीक है, और कुछ दूसरी चीज़ें है नहीं। और सबसे पहला मेरा काम होता है जब भी मैं ड्रॉप लेने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक बेड बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं वही काम करने वाला हूँ। फिलहाल एक बेड बनने में डाल दिया हूँ और देखो बायो में ड्रॉप आ चुकी है। थोड़ा सा मुझे लैग भी हो रहा है, तो कोई ना, मैं यहाँ पे बेड प्लेस कर देता हूँ। और कल की वीडियो का फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है गाइज जगदीश सुथर भाई को, सेकेंड शॉर्ट आउट जाता है विक्की के भाई को और थर्ड शॉर्ट आउट जाता है मनिंदर सिंह को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और सो मच शुक्रिया गाइज कि इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो और इसी तरह बनाए रखना। हाँ, मेरी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा दोनों मिला के बोल दिया, तो चलो मैंने थोड़े मज़े के लिए बोला हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं यार, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइज कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो। और फाइनली हम यहाँ बायो में पहुँच चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि ये बड़ा वाला यहाँ का बॉस जो है, जोम्बी बॉस या फिर ईजी बॉस, किसी बंदे को दौड़ा रहा था। तो आई होप हो सकता है ये बंदा भी यहाँ आया हो ड्रॉप लूटने, तो ये बंदे की तो कहानी यहाँ पे हो गई दी एंड। और इसके पास मेरे को कोई गन भी नहीं मिली और यहाँ बॉस आके मेरे पीछे पड़ गया और ड्रॉप भी अभी तक खोला नहीं है बंदे ने। हो सकता है जैसे ही बंदा आया हो ड्रॉप खोलने तो इसको ईजी दौड़ाने लगा हो और ये बंदा दौड़ के उधर भाग गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉप खोल दिया और अपना एक और फ्रेंड रोया P5Q ये भी आ चुका है सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर में हाँ, ये अभी जस्ट आया है, ये हमारे टीम में जस्ट आया। पता नहीं ये सर्वर में पहले से है ना कि क्या है, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन ये अभी आया। तो इसे भी मैं चाहता तो यहाँ पे बुला लेता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग फिर बोलते कि इनके भाई हमने तो बोला था कि सोलो ड्रॉप लूटना है। तो यहाँ पे देख लो गाइस, हमने फुल टू तैयारी करी है सोलो ड्रॉप लूटने की। मेरे पास सारे कार्ड्स वगैरह भी है। अब मैं इसे यहाँ पर कर रहा था गाइज रूम, ठीक है, जो भी रूम वगैरह थे मैं सोचा क्यों ना अभी रूम वगैरह कर लेते हैं। और ये नाइट का टाइम है, जब मैं सोने जा रहा होता हूँ तो अक्सर मैं रूम कर लिया। तो अरे ये बॉस मेरे को नीचे से डैमेज दे रहा है यार, ये देखो डैमेज दे के मेरी हेल्थ कम कर दी। और मेरे पास आर्मर भी उतनी अच्छी है नहीं गाइज, मेरे को एक बात का डर लग रहा है कि कोई AKM या फिर QVZ वाला या M4 वाला बंदे आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मेड वगैरह बना के रख लेता हूँ कि थोड़ी बहुत डैमेज हम सह सके, ठीक है, और उसको जल्दी से अपने आप को मेडिसिन वगैरह दे के ठीक कर सके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेड वगैरह बना ली है। अब ड्रॉप को खुलने का इंतज़ार कर लेते हैं कि भाई ड्रॉप जल्दी से खुल जाए, बस इसी का उम्मीद है गाइस कि जल्दी से जल्दी मेरा ड्रॉप खुल जाए। क्योंकि एक बंदा शुरू में तो वो किल हो गया, वो इजीली किल हो गया, पता नहीं उसके पास हो सकता है SMG या UG वगैरह हो तो वो गिरा ना हो, ठीक है। फेमस भी होगा गाइस तो गिरता नहीं है। बाकी अगर आपके पास QVZ है, M4 है, AKM है, कोई भी एडवांस गन है तो वो गिर जाएगी यहाँ पे। चलो एक चीज़ तो सही है यार कि आज मतलब थोड़ा सा भी लैग उतना नहीं हो रहा, लेकिन इससे पहले जब मैं इंटर कर रहा था बायो में तो उस समय बहुत ज़्यादा ही लैग हो रहा था मेरे को। तो मैं पूरा ड्रॉप पे चारों तरफ से देख रहा हूँ कि कहीं कोई बंदा ना आ जाए। ओ सिट, जिसका डर था वही हुआ। तो एक बंदा यहाँ पे आ चुका है गाइस, लेकिन ये तो डोर से ढूका नहीं यार, तो आई थिंक इसके पास ग्लाइडर है गाइस। तो चलो मैं इस बंदे को खोजता हूँ, आखिर ये बंदा है तो है किधर। देखे यार किधर है वो बंदा, इधर से ही तो उसके फुटप्रिंट्स आ रहे थे, दिख तो नहीं रहा गाइस किधर है आखिर बंदा। आई थिंक वो बंदा भी डरा हुआ है, वो बंदे को भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है, ठीक है। जब उसकी फुटप्रिंट हमें आ गई तो आई थिंक हमारी भी फुटप्रिंट उससे चली गई होगी। आखिर मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किधर है आखिर वो बंदा। वो सिर्फ थोड़ा सा भी अगर एक झलक दिखलाजा वाला हो जाए ना भाई, तो फिर फाइट होगी, या तो हम बचेंगे या तो वो बचेगा, दोनों में से कोई बचेगा यार। किधर मैं ढूंढूं उसको, दिख जा भाई, लगता है उसको झलक दिखला जा वाला गाना सुनाना होगा। कहाँ गया आखिर वो बंदा यार। अक्सर मेरे साथ यही होता है, कल के दिन जब मैं शिप पे गया था तो यही हाल था, वो बंदे मतलब किधर नुक जाते मेरे को समझ में नहीं आता यार।
आई थिंक इसके ऊपर हो सकता है वो बंदा। अच्छा मैं इसके ऊपर भी जाके देखूंगा, पहले मैं नीचे कंफर्म कर लेता हूँ कि नीचे तो मतलब नहीं है वो, उसके बाद इसके ऊपर भी चलेंगे, इसके छत के ऊपर देख लेंगे आखिर वो बंदा गया तो गया किधर। वो बंदा अभी तक नीचे भी नहीं उतरा है, ड्रॉप के पास भी नहीं गया है वो बंदा। ठीक है तो वो बंदा गया तो गया किधर, दिख जा भाई थोड़ा सा तो दिख जा। आई थिंक मेरे साथ गंदा वाला स्कैम हो जाएगा गाइज अगर वो बंदा नहीं दिखा तो। वो ज़ॉम्बी तो यूं ही दौड़ लगा रहा है ठीक है, बीच बीच में इजी अपना यूं ही दौड़ लगाते रहता है ठीक है। तो ऊपर चल के देखते हैं आखिर वो बंदा है या नहीं। तो फाइनली मेरे सर्वर की बांध टूट गई थी यहाँ पे, तो मैं सोचा अब क्यों ना फाइनल अब हम ऊपर चढ़ के ही देख लेते वो बंदा है तो है किधर। तो मैं ऊपर भी देखता हूँ तो वो बंदा मेरे को कहीं पर भी नहीं दिखा। आप देख सकते हो गाइस वीडियो में कि कहीं पर भी वो बंदा दिख नहीं रहा है। आखिर वो बंदा आया भी यहाँ पे और अभी तक दिखा नहीं है, ना ही वो ड्रॉप के पास गया है ठीक है। एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि उस बंदे को पता चल गया है कि यहाँ पे ड्रॉप है और ड्रॉप ओपन हो चुका है, लेकिन वो बंदा किधर गया मेरे को अभी तक नहीं दिखा। और ये अनडेड शॉटगन मतलब कहीं लग रहा है मर रहे लोग, ये मर रहे होंगे एयरपोर्ट वगैरह में ठीक है, एयरपोर्ट या बंडित कैप में कहीं, क्योंकि वहीं रहते हैं वो लोग जो मर गए गाइस। उससे अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं ठीक है, अभी फिलहाल अपने बंदे पे फोकस करते हैं। वो बंदा आखिर यहीं पे आया था ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि बिना किसी बंदे के आए फुटप्रिंट शो नहीं होगा। लेकिन वो बंदा आखिर नुकता किधर है भाई, मतलब बंदे आखिर छुप किधर जाते हैं यही तो पता लगाना है ना यार, कि हम लोगों को भी थोड़ी सी फायदा हो जाए कि छुपने का जगह मिल जाए ऐसे कि कोई बंदा देख ही ना सके। हैकर बैकर को मैं नहीं इतना बोलूँगा गाइस कि कोई बंदा हैकर है या कुछ है ठीक है, आई थिंक उसके पास उसकी नॉलेज है तो वो हैक कर रहा है तो वो उसकी बात है ठीक है। और इस पे ध्यान देने वाली चीज़ है गेम की, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ करा तो पता चले हम ही लोग बैन हो जाएंगे तो इसीलिए मैं हैक वगैरह को कहीं कोई प्रमोट नहीं करता। और कुछ लोग मेरे कमेंट में बोल रहे थे इनके भाई मैं हैक जानता हूँ आप मेरे साथ खेलो मैं ये, तो भाई मैं आपको दूर से नमस्कार बोलता हूँ ठीक है, मेरे को हैक वगैरह कुछ नहीं पता, अब मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। हाँ भले आपको इसी तरह फ्रेंडली खेलना है तो आप आओ हमारे सर्वर में हमारे साथ खेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने हैक बैक यूज करा तो सबसे पहले रिपोर्ट करने वाला बंदा मैं ही रहूँगा ठीक है। तो ये देख लो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब शांत हो गया, क्योंकि अब मेरे को वो बंदा कंफर्म हो गया कि आई थिंक वो बंदा जा चुका है या फिर हो सकता है वो अपने बायो के बगल से गुजर रहा हो ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कुछ हो सकता है गाइस, लेकिन वो बंदा इतना भी नूबड़ा नहीं हो सकता यार कि कोई बंदा अंदर ना आए। अंदर तो कम से कम जरूर आता, वो ड्रॉप है अंदर में, ड्रॉप सबको दिख रही है गाइस कि ड्रॉप आ चुकी है यहाँ पे, और ड्रॉप सबको दिख रही कि यहाँ पे ड्रॉप है, तो सिंबल तो सबको दिखेगा ना यार। लेकिन वो बंदा अभी तक मेरे को नहीं दिखा, मैं चारों तरफ उसको खोज खोज के परेशान हो रहा था। चलो कोई ना गाइस अब इसी का इंतजार करते कि आई थिंक ये ड्रॉप हमारा ही हो जाए। और मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ गाइस, वो जानते हो क्या है, मुझे बाहर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर नीचे में वो बंदा हुआ तो उसके साथ भी फाइट हो सकती है। लेकिन नीचे तो मैं पूरा देख लिया हूँ, तो वो बंदा मुझे देख रहा हूँ कि डोर से कोई बंदा इंटर ना करे ठीक है। अगर डोर से कोई बंदा इंटर करेगा तो मैं उसको इजीली देख के उस पर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस बंदे को लेकर कन्फ्यूज हूँ यार कि वो बंदा आखिर गया तो गया किधर। आई थिंक अब ड्रॉप भी खुलने ही वाली होगी, इतना टाइम हम लोगों ने उस बंदे को ढूंढने में लगा दिया है ठीक है, तो आई थिंक अब ड्रॉप खुल जानी चाहिए। खुल जा सिमसिम, इतना लेट हो रहा है, क्यों इतना लेट कर रहा है सिमसिम अपना खुलने में आज। काश ये पबजी वाला ड्रॉप होता यार, तुरंत लूटते तुरंत भाग जाते एकदम, मजा ही आ जाता फिर तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा। फाइनली ड्रॉप खुल चुका है गाइस, ड्रॉप को हमने तोड़ भी दिया है ये देख लो। अब मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, अगर वो बंदा होगा तो वो जरूर से ड्रॉप को उठाने के लिए आएगा ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कोई बंदा आ नहीं रहा है, ड्रॉप खुल भी गया, ड्रॉप टूट भी चुकी है अब, लेकिन कोई भी बंदा नहीं आ रहा है ठीक है। तो क्या करना चाहिए यार, ड्रॉप लेके भागू क्या? आप लोग रहते गाइस तो यहाँ पे क्या करते, मेरे को आप जरूर से कमेंट करना कि अगर आप लोग होते इस जगह तो आप लोग क्या करते। मैं तो यहाँ पे ड्रॉप लेके भागने के चक्कर में था कि ये देखो भाई
ये तो होना ही था। पक्का कंफर्म गाइज, ये तो होना ही था। मेरे पर्पल कार्ड भी गए, दो हेलमेट भी गए, मेरी यूजी भी गई, सारी चीजें जा चुकी है। देख लो अब मैं लड़ूंगा क्या उससे खाक। मतलब कम से कम यूजी तो बचनी चाहिए थी यार, हैंडमेड भी आ सकता था साथ में यार। इतनी गंदी किस्मत यार। वो बंदा आखिर था कहाँ यार, तब से मैं ढूंढा, वो भी AKM लेके बैठा हुआ था बंदा छुप के। चलो जल्दी से, ठीक था कि हमने बैग प्लेस कर दिया था, ठीक है बायो के पास में। अब देखते वो बंदा आखिर है तो है कहाँ पे। जल्दी से मैं जा रहा हूँ, फिर से दोबारा से जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ इससे फायदा होता है कि नहीं यार। भाई ये तो बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो रहा है यार अपने सर। ये देखो भाई, बंदा तो यहाँ ग्लाइडर वाला था यार। हो सकता है गाइस ये बंदा जरूर से बायो को, वो जो पीली वाली बॉल के ऊपर बैठा हो, ठीक है। तो उधर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि हो सकता है उसके भी ऊपर बंदा हो। लेकिन अगर वो ऊपर बैठा हुआ था गाइस, तो वो ऊपर से मेरे को भी मार सकता था इजिली, क्योंकि मैं भी ऊपर। लेकिन इसने एकदम मैन जगह पे मारा, क्योंकि जब मैं ड्रॉप उठाने में बिजी था तो उस समय गन निकालने में भी टाइम लग जाता है। भाई साहब क्या ही दिमाग लगा दिया था बंदे ने। फिलहाल मैं इसका घर ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बंदा जिधर जिधर जाएगा मैं इसका घर आराम से जाकर पहले ढूंढूंगा कि आखिर ये बंदे का घर है तो है किधर। मैं इस पर कुछ फायर्स भी करता हूँ, लेकिन ये बंदा अब रुकने वाला कहाँ था। भले ही इसके पास AKM हो, लेकिन ये बंदा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है अब ये रुकेगा भी नहीं, और इसका घर कुछ इधर ही है गाइस, ठीक है। और ये बंदा अब गायब हो चुका है। अब मेरे पास इतना सा कुछ सामान तो चले गए, जो मेन सामान थे वही चले गया है, और बाकी जो सामान बचे थे एक काम करते गाइस, अभी मेरे को नींद भी आ रही है और रात के बज चुके 12। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक 1x1 का बेस बना लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे आज के लिए यहीं पे हम सोएंगे, और फिर कल सुबह जब होगा, ठीक है, तो दिन हो जाएगा, तो फिर हम सुबह सुबह अपने घर जाएंगे। क्या करूँ यार, इतना मेहनत से हमने ड्रॉप ओपन करा, ड्रॉप को हमने ही तोड़ा। अब बताओ यार, इतनी गंदी टाइमिंग होती किसी बंदे की। जो भी हो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट बार दोबारा से मैं कभी नहीं ट्राई करने वाला हूँ। अगर टीम में रहूँगा तो पूरी टीम के साथ आने वाला हूँ, ठीक है, ड्रॉप लेने के लिए। अगर हाँ अकेला रहूँगा तो अकेला भी ज़रूर से आऊँगा ड्रॉप लेने, क्योंकि भाई ड्रॉप वगैरह छोड़ने वाली चीज़ है नहीं, उससे गन वगैरह मिल जाती है। अब पासवर्ड ज़रूर से कमेंट करना कि हमने इसमें क्या पासवर्ड डाला है, ठीक है। मैं अक्सर यही पासवर्ड डालता हूँ, और अगर आप इनेमी हुए तो मेरे घर को लूट सकते हैं। इससे हमने एक दूसरा घर भी बना रखा है, डिज़ाइन कर रखा है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।